हेलो फ्रेंड, धावाटोल जगन्नाथ ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मुझे विश्वास है कि आप लोग अच्छे और खुश होंगे और हमेशा खुश रहें। तो दोस्तों, आज हम लोग अदवा चावल का पकवान बनाने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। अदवा चावल का जो सत्तू जो होता है, उसी का हम लोग पकवान बनाने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा घर का चूल्हा है और लोहा भी देख सकते हैं, छोलनी भी है और पानी गर्म हो गया है। तो अभी मेरी वाइफ अदवा का जो सत्तू जो है उसको गोल गोल ढिक्का जैसा बना रहे हैं, जैसे गुड़ का ढिक्का जो होता है उसी टाइप का बना के उसमें पानी में उबाल रहे हैं। थोड़ा उबालने से क्या होता है, थोड़ा नरम और अच्छा होता है। तो आप लोग वीडियो देख सकते हैं, ये देखिए पानी उबल रहा है और इधर है सत्तू और सूप में जो था वो ख़त्म हो गया, थोड़ा बहुत है बचा उचा और ये देखिए उबल रहा है। इसी तरह ढिक्का बना बना के उसमें लोहा में डाल रहे हैं और जितना भी सत्तू है सब उसी तरह करके उस में डालेंगे और फिर उससे जब सिझ जाएगा तब फिर बाहर निकालेंगे। और दोस्तों, आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आप लोग खाना वाना या कोई भी पकवान बनाते हैं तो किससे बनाते हैं, गैस से बनाते हैं या लकड़ी से ही बनाते हैं। हम लोग तो मिट्टी का चूल्हा आप लोग देख सकते हैं, इसी में हम लोग खाना वाना बनाते हैं। गैस है मगर हम लोग गैस में उतना पैसा नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण लकड़ी से ही खाना बनाते हैं और ज़्यादातर गांव देहात में लकड़ी से ही खाना बनता है। लकड़ी का कमी नहीं है गांव देहात में, तो आप लोग देख सकते हैं सीज गया होगा, उसको फोड़ना पड़ेगा, अभी गर्म है बहुत ज़्यादा। ये देखिए किस तरह फोड़ रहे हैं, ये मेरी वाइफ है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, इसका नाम सुषमा है। तो आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए हो गया, अभी अभी इतना ही बनाएंगे, धूप भी बहुत ज़्यादा है। लगभग अभी 12-1 बजता है तो इसीलिए धूप बहुत ज़्यादा है। और ये देखिए खाने वाला जो गुड़ जो होता है उसी को मिक्स करेंगे, उसमें चीनी भी आप डाल सकते हैं, तो हम लोग गुड़ डाल देते हैं इसमें और इस तरह मिक्स करना पड़ेगा पूरा। जो भी ढिक्का ढिक्का आपको नज़र आ रहा है सब पूरा का पूरा आपको चूर चूर कर देना होगा। और ये देखिए इसमें फिर वो जो गर्म पानी जो है वही पानी उसमें फिर डालेंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जिस तरह आप लोग देखे होंगे कभी कभार कहीं, जिस तरह बेसन जो मिक्स करता है लोग, उसी तरह मिक्स करना पड़ता है पूरी अच्छी तरह से। और ये देखिए सरसों का तेल डाल रहे हैं, गरम हो गया
और ये देखिए, देखते हैं फूलता है कि नहीं फूलता है, लेकिन फूलना तो चाहिए। देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, ये देखिए कितना गोल फूल गया। इसी तरह फूलना चाहिए, जब फूल जाता है तो समझ जाइए कि ये बहुत अच्छा बना और पूरी तरह से पक जाता है तेल में। आप लोग भी अगर यदि बनाना चाहते हैं तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से हो जाएगा। आप वीडियो को देखकर भी सीख सकते हैं और बना सकते हैं घर में इस तरह का। हम लोग जानते हैं दोस्तों गांव देहात में इसको क्या बोलते हैं, घटरा रोटी बोलते हैं इसको। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगता है कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अच्छा लगता है या कुछ अलग टाइप का शायद आप लोगों को लगता होगा कि नहीं ये बनाने का तरीका गलत है, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हम लोग तो इसी तरह बनाते हैं, कभी कभार भी जब पर्व कोई सा भी आता है तो इसी तरह का हम लोग पकवान बनाते हैं। बनाने का बहुत तरीका है, तो हम लोग ज़्यादातर इसी तरह का बनाते हैं और कभी कभार अलग किस्म का खाने का मन हुआ तो बनाते हैं, नहीं बनाते हैं ऐसी वाली बात नहीं है। दोस्तों आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमको भी पता चले कि मेरा वीडियो कितनी दूर दूर के लोग देखते हैं। तो दोस्तों आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं बहुत अच्छी बात है, हमें खुशी होती है, और ऐसे ही मेरा वीडियो देखते रहें आप लोग और सपोर्ट कीजिए दोस्तों। जितना आप लोगों से सपोर्ट हो सके आप सपोर्ट ज़रूर कीजिए, आपकी सपोर्ट से हम आगे बढ़ सकते हैं, और सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो फिर आगे बढ़ने का संभावना बहुत कम रहता है। तो इसलिए आप लोग जितना सपोर्ट कर सकते हैं कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। दोस्तों आज आप किसी का भला करते हैं तो आपको भी कहीं ना कहीं किसी रोज़ आपको भी कोई सपोर्ट करेगा, और अगर यदि आपका भी यूट्यूब चैनल है तो कमेंट कीजिए, हम आपका चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। दोस्तों एक दूसरे का साथ देने से ही कोई आगे बढ़ सकता है, अगर आप साथ हमको नहीं दीजिएगा तो आप भी कहीं ना कहीं किसी रोज़ आप भी YouTube चैनल बनाएंगे तो आपको भी इस तरह साथ कोई नहीं देगा। तो आप हमें साथ दीजिए, आपको भी हम लोग साथ देंगे, और एक दूसरे का साथ देने से ही हर कोई आगे बढ़ सकता है। तो आप लोग जितना सहयोग दे सकते हैं दीजिए। दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसे लगता है कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
और आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, वो जो गमला में जो घोला हुआ था सत्तू वो ख़त्म हो गया है। शायद एक कटोरी या एक कटोरी भी नहीं होगा, थोड़ा बहुत बचा है। तो दोस्तों आप लोग लास्ट तक वीडियो देखें ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आए और आप भी अपना घर में बना सकें इस तरह का पकवान। आप ढेंकी से भी अदवा चावल को कूट सकते हैं या फिर बाज़ार में जाके मिल से भी कुटवा सकते हैं। तो आप इस तरह कुटवा के आप अपना घर में इस तरह का पकवान बना सकते हैं और ट्राई ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। हम लोग देहाती भाषा में इसको घटरा रोटी बोलते हैं और पकवान भी लोग बोलते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो कैसे लगा? यदि आप लोगों को थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और जी हाँ दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग देख सकते हैं तेल भी थोड़ा सा बचा और गमला को भी सुषमा जी धो रहे हैं जो कि मेरी वाइफ है। और ये मेरी वाइफ है, हम अलग डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं और ये अलग डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, एक ही डिस्ट्रिक्ट के नहीं हैं हम दोनों। तो देख सकते हैं दोस्तों कैसे लगता है पकवान, ये देखिए। वीडियो को अंत करते हैं दोस्तों।